आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे डोंगचेंग कंपनी के तरफ से आने वाला ये मशीन जिससे हम वॉल कटिंग कर सकते हैं, कंक्रीट भी कटिंग कर सकते हैं। अगर हम वायरिंग करते हैं उसमें जो झिरी काटना होता है बहुत बेहतरीन तरीके से इससे कटिंग कर सकते हैं। इसमें कितना ब्लेड लगा सकते हैं और किस तरह से लगा सकते हैं पूरा डिटेल में आज हम आपको लगा करके और चला करके भी दिखलाएँगे कि इससे किस तरह से कटिंग होता है, कितना फ्रेश होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं ये कैसे काम करता है तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपका किसी तरह का सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो के नीचे इस लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को दबा के अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा, उसे दबा के उसका नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए। और देखिए, इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। जैसे कि कुछ इस तरह से हमारा बॉक्स है, इसके अंदर हमारा मशीन है और इसमें एक हैंडल भी दिया गया है बॉक्स में, अगर कहीं पे हमें ले जाना हो तो आसानी से हम लेकर के जा सकते हैं। अब चलिए क्या करते हैं, इसे ओपन करते हैं। इसमें दो लॉक दिया गया है, इस तरह से इसे ओपन कर लेंगे। इसे ओपन करने के बाद इसके अंदर हमारा मशीन है, इसके अंदर देखेंगे तो कुछ इस तरह से पैकिंग है हमारा मशीन का पॉली बैग में। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसे बाहर निकालते हैं। और हमारा ये मशीन है डोंगचेंग कंपनी का, जैसे कि यहाँ पे ब्रांडिंग और लेबल लगा हुआ है कंपनी का, यानी नाम क्लियर तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस मशीन का मॉडल नंबर लिखा हुआ है और इसके नीचे के साइड देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो 30 mm है और इस मशीन को चलाने के लिए 220 से 240 वोल्ट चाहिए और इस मशीन की कैपेसिटी जो है वो 1400 वाट है। जब इस मशीन को चलाएँगे तो 1400 वाट ये लोड लेगा। और इस मशीन में यहाँ पे हमारा एक स्विच दिया गया है इस मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए, तो इसे हम ऑन ऑफ कर लेंगे। इसमें एक बटन भी दिया गया है लॉक का, जैसे कि यहाँ पे गौर से देखेंगे एक छोटा सा बटन है। अगर हम स्विच को ऑन करते हैं और इस बटन को दबा देते हैं तो हमारा मशीन ऑन रहेगा और जब ऑफ करना होगा तो हम एक बार स्विच को दबा देंगे तो ऑफ हो जाएगा। और चलिए हम दिखाते हैं इसमें ब्लेड लगाने की, तो एक ब्लेड लगा सकते हैं, दो ब्लेड लगा सकते हैं, 5-10 भी ब्लेड इसके अंदर लगा सकते हैं। हम आपको लगा करके और चला करके भी दिखाएंगे। और इसमें ये हैंडल दिया गया है मशीन को इस तरह से पकड़ के चलाने के लिए ताकि मशीन हमारे कंट्रोल में रहे। अब जैसे मशीन के इस साइड देखेंगे तो इस साइड एक दिया गया है, इससे जो हमारा धूल निकलता है, जो डस्ट अगर मशीन चलाते हैं वॉल पे, तो और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या दिया गया है। जैसे कि देखेंगे तो यहाँ पे ये दिया गया है इसके अंदर लगाने के लिए, जिसमें हम पाइप लगा करके धूल को निकाल लेंगे। मशीन के साथ तो पाइप नहीं दिया है लेकिन बाहर से हमें परचेज करके लगा लेना होगा। और मशीन में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ और भी दिया गया है, जैसे इसके साथ देखेंगे यहाँ पर तो हमें लग रहा है ये कार्बन है, तो चलिए इसे बाहर निकालते हैं। तो एक सेट कार्बन दिया गया है इसके साथ और यहाँ पे वारंटी कार्ड दिया गया है, यानी इसकी वारंटी कार्ड है ये, और ये इसका मैनुअल है जिसमें लिखा गया है ये किस कंपनी का है, इस मशीन का मॉडल नंबर क्या है, आपको किस तरह से यूज करना है, A to Z इस मशीन के बारे में यहाँ पे टोटल लिख दिया गया है। और इसके साथ हमें यहाँ पे दो ब्लेड दिया गया है जो 6 इंच का है, इसके साथ दो ही है और चाहिए तो हमें मार्केट से परचेज करना होगा। और इसके अंदर देखते हैं बॉक्स में क्या है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये की है जिससे हम ब्लेड को खोलते हैं और बंद करते हैं। और इसके साथ क्या दिया गया है इस बॉक्स में है हमारा, ये है 6 नी जिसे हम लोग सिंजल भी कहते हैं, और ये अच्छा दिया गया है प्लस इसे पकड़ने के लिए भी इसमें अच्छा दिया है और ये मशीन के साथ आया है। और इसके अंदर देखेंगे तो बॉक्स में और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। और जो हमें पाइप चाहिए वो भी ख़रीदना ही होगा जिससे हम धूल यानी डस्ट को निकालना चाहेंगे, तो इसके लिए हमें अपने मार्केट से लेना होगा। तो हमने एक पीस ऑलरेडी ले रखा है, चलिए हम उस पाइप को आपको दिखलाते हैं। और ये रहा हमारा पाइप जो हमने मार्केट से ख़रीदा हुआ है, यानी परचेज किया हुआ है। तो इसकी लंबाई की अगर बात करें तो मैंने 5 फीट लिया है, आप देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा और लंबा लेना हो तो ले सकते हैं लेकिन 5 फीट ठीक है। और बात करें इसमें लगाने की, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर लेते हैं और इसमें एक लॉक दिया गया रहता है कवर, इसको सबसे पहले इस तरह से ओपन करते हैं और इसमें ये दिया गया है इसको हमें कसना होगा पाइप में। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो लॉक वाला कवर है इसको लगा देंगे ताकि ये पर्सन बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं दे, और इसे लगाना होता है। और इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम कसेंगे। अगर आपका परफेक्ट साइज मिल जाता है पाइप तो अच्छी बात है, नहीं तो मोटा पतला आपको नहीं लेना है, थोड़ा सा पतला ले सकते हैं जिस पर हम लोग बिजली
बिजली का टेप लगा करके इस पर कस सकते हैं। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, इसके ऊपर कस लेंगे। अगर चूड़ी टाइप पाइप मिल जाता है तो और अच्छी बात है। जिस तरह से ये थोड़ा सा चूड़ी टाइप पाइप है, अब देखिए इसे कसने के बाद ये टाइट हो गया, ये नहीं निकल रहा है। अब क्या करेंगे, ये वाला लेंगे कवर, इस तरह से लगाएंगे। फिर इसके बाद हम इसका लॉक लाएंगे और लॉक को क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे। जिस तरह से जो घाट में था उसमें हम क्या करेंगे, इसको फंसा देंगे। और ये फंसने के बाद इस तरह से हमारा फ्री हो गया। अब इससे क्या करेंगे, हम इसमें लगा करके हम अपना झिरी काट सकते हैं। अब सबसे पहले हम इस पाइप को यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद ब्लेड किस तरह से लगाया जाता है वो हम आपको पूरा डिटेल में यहाँ दिखलाते हैं। सबसे पहले इसको ओपन हम करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसका की लेंगे। की लेने के बाद इसे ओपन करेंगे इस तरह से। उससे पहले हम मशीन के बैक साइड चलेंगे, जिसमें एक लॉक का बटन दिया गया रहता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला लॉक का बटन है, इसे दबा देंगे। उसके बाद हम लॉक खोलेंगे, यानी की से इसको खोलेंगे, तभी ये खुलेगा, नहीं तो ये घूमता रह जाएगा। तो इस तरह से इसको खोल लेंगे और उसको दबा के रखेंगे लॉक के बटन को। और कसने के टाइम भी ब्लेड को हम उसे दबा करके ही रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा लूज हो गया, तो हाथ से भी खुल जाएगा। और खुलने के बाद देखेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस है इसका। उसके बाद चलिए हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। इसको निकालने के बाद देखेंगे इसमें तो मोटा मोटा वाशर दिया गया है, यानी मजबूत वाशर है। इन सब के गैप के बीच में हमें ब्लेड को लगाना है, जितना ब्लेड चाहते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे दो ब्लेड लगाएंगे, तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, वाशर डाल देते हैं। और इसके बाद एक और ब्लेड हम लगा करके आपको दिखलाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ब्लेड लगा दिए, अब देखिए यहाँ से वाशर लगा दिए। हम इतना कटिंग कर सकते हैं और चौड़ा चाहें तो हम कटिंग कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ से हम इसको निकाल देते हैं, और निकालने के बाद चार पाँच ब्लेड हम लगा करके आपको दिखाते हैं। जितना गैप की ज़रूरत हो उतना में हम वाशर लगाएंगे, नहीं ज़रूरत हो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। हम आपको दोनों दिखाने वाले हैं यहाँ पे, और साथ में मशीन चला करके भी हम आपको दिखाने वाले हैं। इस तरह से यहाँ पे हमने पांच ब्लेड लगा दिया है और इतना चौड़ा हम कटिंग कर सकते हैं। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसे निकालते हैं और उसके बाद हम आपको एक समेट लगाते हैं जिसमें थोड़ा सा भी गैप नहीं हो। यहाँ पे मैं कुछ ब्लेड लगा देता हूँ। आपको जितना चौड़ा कटिंग करना है उतना ब्लेड लगाना होगा, और इस तरह से आप लगा सकते हैं बिना वाशर के। अब चलिए हम क्या करते हैं, मशीन में फटाफट यहाँ पे ब्लेड लगाते हैं, उसके बाद ले करके चलते हैं वॉल पे, आपको कटिंग करके दिखलाते हैं। जो हम चार पांच ब्लेड लगा रहे हैं वाशर दे करके गैप करके, वो किस तरह से कटिंग होने के बाद दिखता है वॉल पे। और बिना वाशर लगाए एक साथ हम 5-10 ब्लेड लगा देते हैं और उसको कटिंग करते हैं वॉल पे, तो कैसा दिखता है दोनों को आपको सामने क्लियर तरह से हम दिखलाते हैं। इस वाल पे हम आपको कटिंग करके दिखलाएंगे। सबसे पहले वाशर लगा करके 5 ब्लेड लगा देते हैं इस तरह से गैप वाला, और उसके बाद इससे कटिंग करते हैं और दिखलाते हैं कि कैसा कटिंग आपका होता है। कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, और इसमें देखिए बिल्कुल ये फ्रेश कटा है। थोड़ा थोड़ा आपको कटिंग करना होगा, और जहाँ पे भी हमें कटिंग करना हो इस तरह से मशीन चला सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम सिंजल और हैम्बर लेंगे और थोड़ा थोड़ा मारेंगे तो ये कट जाएगा। तो चलिए जैसे कि यहाँ पे हमारा ये हैम्बर हो गया और ये सिंजल हो गया, जिसे हम लोग छेनी कहते हैं, और चलिए हम इससे कटिंग कर देते हैं यहाँ पे, फटाफट तोड़ देते हैं। और ये बहुत आसानी से निकल जाता है, इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा तो कट चुका है। और कटिंग होने के बाद इस तरह से आपका झिरी फ्रेश हो गया। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होगा इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये फ्रेश हो जाता है। अब चलिए क्या करते हैं, हम आपको 5 ब्लेड 8 ब्लेड यानी यहाँ पे 10 ब्लेड टोटल लगा दिए हैं, और क्या करते हैं इससे हम कटिंग करके आपको दिखलाते हैं। जैसे इस वाल पर हमें कटिंग करना है, अब चलिए इसे कटिंग करते हैं।
इस तरह से यहाँ पे ये झिरी काट दिया गया, ये बिल्कुल फ्रेश है आपका। अब चलिए थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। इसमें हमको छेनी हथौड़ी नहीं चलाना है, यानी सिंजल हैम्बर से हमको थोड़ा सा भी कटिंग नहीं करना है और ये बिल्कुल फ्रेश है। जहाँ पे भी कटिंग करना हो इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आप ये मशीन परचेज करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो ईबे पे आपका अवेलेबल है और इसकी रेट की बात करें तो $172 यानी $172 है। प्लस इसके साथ आपका कुछ शिपिंग चार्ज भी लगेगा, लेकिन ये मशीन थोड़ा कॉस्टली है। अगर आपका इतना अच्छा खासा बजट है, इतना ज़्यादा इनकम है, यानी जो काम आप साइड पर कर रहे हैं, ज़्यादा कटिंग करना है, यानी कमाई अच्छी खासी है, तो आप इस मशीन को परचेज कीजिए। नहीं तो आप लो रेंज का भी मशीन ले सकते हैं। अब जैसे कि ये सब लो रेंज की मशीनें हैं और ये आपको अवेलेबल है अमेजोन पे। अब ऐसा नहीं है कि ये लो रेंज का मशीन है, कम रेट में मिलता है तो ख़राब होता है, ऐसा नहीं है। जिस हिसाब से आप पैसा खर्च कर रहे हैं उस हिसाब से तो मशीन की क्वालिटी पे तो अंतर पड़ना है, लेकिन ये कम रेट में भी अच्छा काम करता है। तो ये तो हो गई आपकी लो रेंज और मीडियम। अब जैसे कि ये हाई रेंज की है और ये महंगा भी मशीन है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो हमको अपने पैसे के हिसाब से, बजट के हिसाब से मशीन परचेज करना होता है। तो सभी मशीनों का मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप जाकर के लिंक को फॉलो कीजिए और जाइए देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है, ज़रूरत है, तो आप मशीन परचेज कीजिए, खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा, उसे दबा के उसका नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए। और देखिए, इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए।